सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। नीचे प्लस का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। 900 का रेसो सेलेक्ट कीजिएगा, रेजुलेशन 1080 रख लीजिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर सिंपली टैप कर देना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे प्लस का आइकन पर टैप कीजिए, मीडिया वाले सेशन में चले जाइएगा। जिस भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस मुझे जो ट्यूटोरियल आया था, एक भाई ने सेंड किया था कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो उन्होंने जो ट्यूटोरियल भेजा था उसमें यही इमेज था, तो मैंने इसी का यूज़ कर दिया। तो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे फिल कंप्रेशन एरिया कर दीजिए, तो पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसे आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, सेंटर में आप अपना रख लीजिएगा। इसके बाद स्क्रीन पे टैप करना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना। ऑप्शन एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से आएगा। एडिट शेप में जाइएगा, ऑप्शन ऊपर वाला जो है तो 375 इसे कर दीजिएगा, मतलब 375 आप इसको कर दीजिएगा। तो थोड़ा हम इसे बढ़ा देते हैं इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 375 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब नीचे वाला जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, इसे आपको 220 कर देना है, मतलब 220 आपको इसे कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे और भी आप चाहे तो पतला या बड़ा आप अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। देन यहाँ से बैक आइए, कलर एंड फिल में जाइएगा और यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बॉर्डर एंड शेडो का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इसका जो स्टॉक है उसे आपको ऑन कर देना है। स्टॉक का साइज जो आप यहाँ पे 12 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 12.0 कर दीजिए। इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर आपको इस तरह से दिखने लगेगा। यानी यहाँ से बैक है, ये बैक एंड ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपिसिटी का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके इसका जो साइज़ है इसे आपको 50 कर देना है, तो हल्का से यहाँ पर शैडो टाइप का आ जाएगा। अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए कहाँ पर रखना चाहते हो, तो मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर टाइप कीजिए, प्लस के आइकन पर जाइएगा और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इमोजी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऑफेंस यहाँ पे कुछ इमोजी, जैसे 2-3 ठो इमोजी आप ले लीजिएगा, तो फर्स्ट ये 3 ठो मैं इमोजी ले लेता हूँ। देन इसे अलाइन करेंगे, रोबोट ग्लो पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आईफोन फॉन्ट आता है तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में दिया है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, और इसमें भी मैं दे दूँगा। इसके बाद इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके पेंसिल के नीचे वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा, तो आपका जो इमोजी है दिखने लगेगा। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन इसे स्क्रॉल करके आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो तो रख लीजिए, मैं यहाँ पर इसे रहने देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते ये एडजस्ट हो गया। ऑप्शन यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट लिखना है, तो हिंदी में कहीं से भी कॉपी कर लीजिए या फिर जो भी लेटर से आप लिखना चाहते हो उसे लिख लीजिएगा, और पूरा लिख कर क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन का यूज़ करना है जो कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इंडियन फॉन्ट करके ये एप्लीकेशन का नाम है। इसे आप सिंपली ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फर्स्ट में यूनिकोड श्री देव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिएगा और जो आप कॉपी करके लाए हैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इमोजी वर्क नहीं करता है, तो आपको इमोजी नहीं लेना है, ठीक है। जो भी लीजिएगा टेक्स्ट लीजिएगा, टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऊपर में एक बॉक्स ऊपर जो दिख रहा है यूनिकोड श्री देव जिस पर लिखा हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर थोड़े बहुत ऐड भी आएंगे, तो फ्रेंड्स इसे इग्नोर कीजिएगा। अब नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट जो इसका चेंज हो चुका है, आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है। ये एक कोड इसका जो है कॉपी हो जाएगा। अब आपको सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे वापस आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अभी यहाँ पे टेक्स्ट में आपको चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद जो आप कॉपी करके लाए हैं उस पर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसे अलाइन कर लीजिएगा, रोबोट ग्लू पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉन्ट आपको सर्च कर लेना है, S2L यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा। तो फॉन्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी फॉन्ट ये वाला जो आप सेकेंड नीचे वाला जो देख सकते हैं S2L करके है, तो इसमें से ये एक बोल्ड है और एक एस पतला वाला आता है, तो आप इस दोनों में से जो भी चाहे ले सकते हैं। तो चलिए मैं तब तक लिए यह वाला ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पे आप इसे नीचे राइट क्लिक करते हैं एक बार, ये थोड़ा सा फंस गया, तो फिर एडिट टेक्स्ट में चलते हैं। और ये क्या हो रहा है, ये स्लाइड ही नहीं, थोड़ा भी हिल भी नहीं रहा है, तो इसे हम थोड़ा नीचे लेकर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस मूवे ट्रांसफॉर्म की मदद से इसे नीचे कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसे एडजस्ट करना है आपको, तो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो इसे बैक करते हैं और एडिट टेक्स्ट में चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कलर जो है उसे हम चेंज करके व्हाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन, तो ये 18 PT है, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, आप 24 तक रख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने रख दिया। इसका कलर जो यहाँ पे आपको व्हाइट कर लेना है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसका पॉइंटर जो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा
तो फ्रेंड्स ये जो फॉन्ट है इसकी वजह से शायद यहाँ पे जो ये पॉइंटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो इसका दूसरा ट्रिक हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 20 PT हमने रखा था, तो इसे थोड़ा कम करते ताकि ये दो लाइन में आ जाए। आप जिस जितना लाइन में रखना चाहते तो उतना लाइन में रख सकते हैं, मैं इसे दो लाइन में कर देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से मूव ट्रांसफॉर्म में चलेंगे, जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे जूम करके एडजस्ट कर लेंगे। आप जितना पे रखना चाहते उतना पे रख लीजिएगा। तो मैं इस तरह से रहने देता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि नीचे हम अपना लोगो लगा सकें। अब स्क्रीन पर आइएगा, नीचे आ जाइएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा और यहाँ पर जिस भी फाइल में आपका लोगो होगा उसे लगा लीजिएगा। तो मैंने लोगो रखा है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक ठो लोगो है मेरे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। तो फ्रेंड्स ये वाला लोगो मैं ले लेता हूँ, आप ले लीजिएगा अपना जो भी लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और इसे भी थोड़ा छोटा करेंगे और ऊपर में इमोजी है, नीचे में लोगो रहेगा हमारा, इसे थोड़ा और छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से इसे छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, आप जहाँ पे भी रखना चाहे रख लीजिएगा। तो बस इसका काम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये करना है, एक सॉन्ग की ज़रूरत है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाएगा, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस सॉन्ग को सिंपली ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस सॉन्ग को ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये वाली ऑप्शन पे टैप करना है तो आप सॉन्ग के लास्ट में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी मटेरियल आप यूज़ किए सभी को सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स ये वाली ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सारा का सारा मटेरियल जो भी आप यूज़ किए हैं लास्ट तक आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको लास्ट यहाँ पर एडिटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह का, और एडिट टेक्स्ट एडिट क्या है एडिट शेप है, हाँ एडिट शेप पे क्लिक कीजिएगा और फिर से आप एक्स को अपर 60 कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिक्रीज करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो 60 अब 60 कर दीजिएगा। और फिर वाई जो है वाई को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे 25 कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 मैंने इतना रख लिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद फिर सबसे पहले तो इसे लास्ट तक कर लीजिए, इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, अब लास्ट में आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए तो ये लास्ट तक आ गया। अभी आपको इफेक्ट में चले जाना है और फिर इफेक्ट में जाने के बाद एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, डिस्टोर्शन ऑफ में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करके एक इफेक्ट है, ये वाला आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप, तो इसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक्स जो देख सकते हैं तो फ्रेंड्स एक्स को आपको 10 कर देना है, ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक कीजिएगा, ये बैक चला जाएगा। अभी आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे रिपीट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्केटर रिपीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे स्केटर रिपीट को आपको ऑन करना है और फिर से यहाँ पे काउंट जो है तो ये 20 है, इसे आपको 50 कर देना है, मतलब 50 परफेक्टली कर लीजिएगा। अब रेडियस पे क्लिक कीजिए और इसे 1000 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं इमेज पे आपको इफेक्ट देखना है स्टार्ट हो गया होगा, तो बस इसे 1000 हम रख लेंगे, उसे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये रहा थोड़ा सा, बस ये रहा, ठीक है, यहाँ पे 1000 मैंने कर लिया। अब थोड़ा नीचे कीजिएगा, सीड का ऑप्शन दिखेगा, सीड पे जाइएगा, फिर सीड के स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, इसके लास्ट में जाइएगा और यहाँ पे भी प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद बस इसे थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, 0.05 कर दीजिएगा। तो फिर सब स्टार्टिंग में अगर इसे प्ले कीजिए कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे एक बीट लग गया, बीट को मैं हटाता हूँ। तो फिर अब जब इसे प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटस वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा अटेंड करती है, बट यहाँ पे आप एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक इफेक्ट देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसे सबसे नीचे कर देंगे, बस इमेज से ऊपर रखिएगा। तो आप जब इसे प्ले करेंगे तो इस तरह से आ रहा, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी सिंपली इसे सेव करना है, सेव करने के लिए फ्रेंड्स ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने और नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में टैप कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे ली कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।